लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे, निवेश के लिए संजीवनी बन रहा सीएम योगी का संदेश। टीम योगी को विदेशी निवेशकों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। एंटरप्राइज सिंगापुर के सहयोग से यूपी के साथ बड़ा करार किया गया है। सिंगापुर के एसएलजी कैपिटल कंपनी के साथ $1 बिलियन के निवेश पर बनी सहमति। यूपी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर की स्थापना होगी। डाटा सेंटर के लिए 8,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की भागीदारी रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी नोएडा और डेटा सेंटर के लिए 8,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर के योगी सरकार की बड़ी सफलता। निवेश के लिए संजीवनी बन रही है ये मॉडल और टीम योगी को विदेशी नागरिकों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। सिंगापुर की एसएलजी कैपिटल कंपनी की ओर से भरपूर सहयोग मिला है और एसएलजी कैपिटल कंपनी के साथ बड़ा करार हुआ है। उत्तर प्रदेश की टीम का यूपी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर की स्थापना होगी। तो एक के बाद एक जो डाटा सेंटर्स बन रहे हैं उससे देश में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर अपना खुद का डाटा सेंटर होगा। अब हमें अपने डाटा को स्टोरेज करने के लिए विदेशों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, अपने ही देश में डाटा को जोड़ करके रखा जाएगा। और दो और डाटा सेंटर बन रहे हैं तो सिंगापुर के एसएलजी कैपिटल कंपनी के साथ ये बड़ा करार किया गया है। यूपी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर की स्थापना होगी और इस पर कार्य किया जा रहा है। मौजूदा सरकार बाहर जाकर के विदेशी नागरिकों से बात भी कर रहे हैं, विदेशी निवेशकों से बात भी कर रहे हैं और विदेश से इंटरेस्ट भी पूरा मिल रहा है। और टीम योगी को विदेशी निवेशकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मौजूदा सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि देश में निवेश लाया जाए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में विशेष लाया जाए, लेकिन उससे पहले निवेशक तभी आएंगे जब उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएँ होंगी, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वैसा माहौल होगा, वैसा एनवायरमेंट होगा, सुरक्षा की संभावना होगी। तो तमाम इन संभावनाओं पर पहले कार्य करते हुए फिर निवेशकों को बुलाया जा रहा है। नोएडा में डाटा सेंटर की स्थापना होगी। डाटा सेंटर के लिए 8,000 करोड़ के निवेश पर सहमति बन चुकी है और डाटा सेंटर के लिए 8 निवेशकों की सहमति बन चुकी है। टीम योगी को विदेशी निवेशकों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। टीम योगी को विदेशी निवेशकों से भरपूर सहयोग मिल रहा है। सिंगापुर की एसएलजी कैपिटल कंपनी के सहयोग से यूपी के साथ बड़ा करार किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्री भी विदेशों में जाकर के विदेशी निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। एसके वाजपेयी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोनलाइन पर। एसके वाजपेयी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि बाहर के निवेशक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए, और एक और बड़ी सफलता जहां पर एसएलजी कंपनी की ओर से बड़ा करार किया गया है। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के निवेश के लिए लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जहां उन्होंने काम किया, कानून व्यवस्था पर काम किया, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर काम किया है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो या कानून व्यवस्था हो। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें निवेशकों को आकर्षित कर रही। यही वजह है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की, साथ ही साथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जो टीम है वो जब विदेश जा रही है तो कहीं ना कहीं उसको भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो 125 से ज्यादा जो प्रस्ताव है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आ चुके हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश है। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो एसएलजी कंपनी है जो कि $1 बिलियन का उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक है। और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो लगातार विदेश में उन सभी निवेशकों के लगातार संपर्क में हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में संभावनाएं तलाश रहे हैं। हालांकि जैसे ग्लोबल स्तर पर जो बदलता परिदृश्य है उसमें जैसे जैसे भारत की स्थिति ठीक हो रही है, कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को उसका सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। क्योंकि भारत में अगर कहीं भी बेहतर डेस्टिनेशन है तो वो उत्तर प्रदेश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, शुक्रिया इसके वाजपेयी तमाम इस जानकारी के लिए।